देश में महामारी के भयंकर संकट को देखते हुए अब अदालत भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना महामारी से निपटने के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई हुई। कोरोना के बढ़ते ग्राफ और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। इसी मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय संकट के समय ये अदालत मुखदर्शक नहीं बन सकती। हमारा मकसद है कि हम हाईकोर्ट की मदद के साथ अपनी भूमिका अदा करें। हाईकोर्ट्स की भी अहम भूमिका है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि इन सुनवाइयों का उद्देश्य हाईकोर्ट का दमन करना या उनके काम में दखल अंदाजी करना नहीं है। उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर क्या हो रहा है वो इस बारे में बेहतर समझ रखते हैं। अपनी सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने टीकाकरण से लेकर महामारी से निपटने के लिए सरकार के एक्शन प्लान को लेकर कई अहम सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऑक्सीजन को लेकर पूरा प्लान क्या है, फिलहाल कितना ऑक्सीजन हमारे पास है, इसका बंटवारा कैसे होता है और राज्यों में फिलहाल स्थिति क्या है, 1 मई से सबको वैक्सीन कैसे मिलेगी, देश के पास फिलहाल कितनी वैक्सीन है, सबको टीका कैसे लगेगा, इसके लिए सरकार की प्लानिंग क्या है, वैक्सीन की अलग अलग कीमत क्यों है, वैक्सीन की कीमत निर्धारित करने का आधार क्या है, रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए क्या तैयारी है। केंद्र और राज्य सरकारों को डॉक्टर्स के बड़े बड़े पैनल बनाने की भी सलाह दी गई, जिससे मरीजों को डॉक्टर्स की सलाह मिल सके। राज्य सरकारों से पूछा गया कि कोरोना संकट में उनके पास क्या क्या इंतजाम है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार नया हलफनामा दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कोविड के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में ऑक्सीजन, टीके और दवाओं के बांटने से जुड़ी समस्याओं को उठाने का फैसला किया था और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और ये नेशनल प्लान मांगा था। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।